welcome to finale of season 2 Shark Tank India. Satsrikal everyone. मैंने बनाई ऐसी हेयर एक्सटेंशन मेरी जैसी लड़कियों के लिए जिनके पास पैसे भी कम थे और बाल भी. That's when Nish Hair was born. अब मैं चाहता हूँ आप अनुपम पे लगाइए. Please, please अनुपम, one second. मेरा जोकर बना रही हो आप मेरे को देना. सहायता वर्ल्ड्स फर्स्ट व्हीलचेयर है जिसमें डिफिकेशन क्लेंजिंग असिस्टेंस है. Oh, wow. इसके लिए हम आपसे चाहते हैं 1.5 करोड़ इन एक्सचेंज फॉर 0.5% इक्विटी. सेल्स बताइए. सो हमारी लाइफ टाइम सेल्स अराउंड 200 करोड़ की हैं. वेल डन. यू आर रियली अ फिनोमिनल एंटरप्रेन्योर. मैं कोई नेगोशिएट नहीं करना चाहता. 1 करोड़ 2%. वाओ, सबकी छुट्टी कर दी. मुझे तो चाहिए था सब लड़के मेरे लिए. उस आप जो चाह रहे हो मैंने दे दिया. हम भी हैं मैदान में. इज इट अ डील? आप में से कौन कौन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ बिल्ड करना चाहते हैं शुगर यंग इंडिया की फेवरेट ब्यूटी ब्रांड? डोंट एक्सपेक्ट एनी मर्सी, मतलब इट विल बी ऑपोजिट ऑफ मर्सी टुडे. तो शार्क्स, अगर एमएस धोनी विराट कोहली के बैट से खेलते तो क्या वो हमें वर्ल्ड कप जिता सकते? अगर विराट कोहली एमएस धोनी के बैट से खेलते तो क्या वो सेंचुरी पे सेंचुरी मार सकते? हर बैट्समैन का बॉडी डायनामिक्स अलग होता है, हर का प्लेइंग स्टाइल अलग होता है और तो और उनकी बैटिंग पोजिशन भी अलग होती है. शार्क्स, आप टी शर्ट भी तभी पहनते हो जब आपकी साइज की होती है, लेकिन जब बात आती है क्रिकेट बैट की तो सिर्फ दुकान में जाके गट फील से या तो रोल मॉडल को फॉलो करके बैट खरीद लेते हैं. हर एक बंदे को उसकी पोजीशन के हिसाब से उसका वेट, उसकी साइज, मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसका बैलेंस जानना बहुत जरूरी है. हमारा ब्रांड जी स्पोर्ट्स टेक लास्ट 3 साल से इसी चीज पे काम किया. नमस्ते शार्क. नमस्ते, मैं समीर शाह. हेलो शार्क्स, मेरा नाम है हर्षल शाह. हम दोनों मुंबई से और जी स्पोर्ट्स टेक के फाउंडर्स हैं. तो जी स्पोर्ट्स टेक एकमात्र कंपनी है जो आपको देती है कस्टमाइज बैग आपके बॉडी डायनामिक्स और प्लेइंग स्टाइल के हिसाब से. जी स्पोर्ट्स टेक 2 तरीके से बैट आपको बेचता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन. हमारे ऑफलाइन मॉडल में आपको आना होगा हमारे स्टोर जी बैट क्लिनिक में, जहां हम आपको देंगे कुछ बैट. उस बैट के ऊपर हम लगाएंगे कुछ सेंसर्स. उस सेंसर्स से जनरेट होगी एक रिपोर्ट जिससे पता चलेगा कौन सा बैट आपके लिए फिट है और वो ही सुपर हिट है. अगर आप हमारे ऑनलाइन मॉडल में आओगे तो आपको हमारे वेबसाइट पे कुछ क्वेश्चंस के जवाब भरने होंगे. उस जवाब के बेसिस पे हमें पता चल जाएगा आपका कौन सा है परफेक्ट जी बैट. हमारे प्रोडक्ट्स Amazon और Flipkart पे भी अवेलेबल है. हर एक बैट के साथ हम एक मेंटेनेंस किट देते हैं और उनकी पुरानी और टूटी हुई बैट को भी रिपेयर करते हैं. और अब तक 7,000 से भी ज्यादा लोगों ने हमारे प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट के ऊपर कंसल्टेशन टेस्ट भर चुके हैं. सारी दुनिया क्रिकेट की दीवानी है. 180 करोड़ से भी ज्यादा लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन शायद गलत बैट से. हमारा विजन ये है कि हर एक क्रिकेटर को उनके बॉडी डायनामिक्स और प्लेइंग स्टाइल के हिसाब से सही बैट दे. शार्क्स, हमारा आस्क ये है 60 लाख फॉर 2% इक्विटी. तो शार्क्स, क्या इस क्रिकेट इंडस्ट्री के जी फैक्टर बनना चाहोगे? पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका शार्क टैंक पर. थैंक यू सर. आपका रिश्ता क्या है आप दोनों का? हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं. तो आपका जो बिजनेस है वो एग्जैक्टली क्या आप समझाएंगे कि कस्टम बैट बनाते हैं? तो क्या रेगुलर बैट्स नहीं बनाते हैं आप? हमारे सारे बैट्स रेगुलर बैट्स ही है. हमारे फुल साइज बैट में 17 डिफरेंट मॉडल्स है विच कवर्स 344 काइंड्स ऑफ प्लेयर्स विच वी हैव डन इन आवर आरएनडी. वही एल्गोरिथम हमने क्रिएट किया है. तो पहले जब हम लोग भी सब क्रिकेट खेले हुए हैं
तो हम नॉर्मली वहां जाते हैं बैट किसी भी शॉप में और जाके चेक करते थे, उसी से पता लग जाता है राइट, अनलेस यू आर अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। तो शख्स अगर आपको रेगुलर बैट भी खरीदना है तो वो भी सर्विस हमारे पास अवेलेबल है ही। हम Amazon और Flipkart पे नॉर्मल तरीके से ही बैट बेचते हैं, खाली हम थोड़े डिटेल्स ऐड कर देते हैं ताकि कस्टमर को खरीदने में आसानी हो। मुझे समझना था वो आप एल्गोरिथम जो बता रहे हैं वो क्या है। तो शख्स ये हमारी वेबसाइट है, तो वी विल क्लिक ऑन लेट्स बिगिन। तो शख्स आप में से कोई ये चीज भरना चाहेगा? अमन आप क्रिकेट खेलते हो, आप भरना चाहोगे इसको? हाँ क्या लिखा 23? ओहो को मैं वहीं आ जाऊंगी। आ जाइए वहां के, आप फिल कीजिए। मेल? ये क्या क्वेश्चन है? कमाल कर रहा है। सर हम भैया अभी हम आपके लिए बैट ढूंढ रहे हैं लेदर बॉल क्रिकेट के लिए। अभी सर आप जब आप क्रिकेट खेलते थे तो आप ओपनिंग खेलते थे, मिडल ऑर्डर खेलते थे? बॉस ओपनिंग सचिन। आप यूजुअली एक डिफेंसिव प्लेयर हो, बोथ हो या स्ट्रोक प्लेयर? स्ट्रोक। अमन का चेक लेके ही जाओगे आप? ओके, आपने जब क्रिकेट खेला था तो अभी हम आप इंटरमीडिएट लेवल खेले हो, क्लब लेवल खेले हो? मैं इंडिया बिगिनर। ये हमारा बजट हो गया, आप हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो बजट के हिसाब से। शख्स आप अभी ये आप देखोगे तो अलग अलग तरीके से मॉडल रेकमेंड हुए हैं इनके लिए, हर बैट्स में नीचे डिटेल्स दिए हैं डिस्क्रिप्शंस पढ़ने के लिए, मगर जब ये 47% दिया हुआ है इसका मीनिंग ये है कि अमन जी जैसे कुछ लोग हमारे कस्टमर्स ऑलरेडी जी बैट क्लिनिक में आ चुके हैं, उन्होंने टेस्टिंग की है और उन डेटा के बेसिस पे हम रेकमेंड करेंगे 47%। अगर इनको ऑनलाइन डिसीजन मेक करना है तो वो इस तरह कर सकते हैं। भाई ये बात नहीं समझ में आई, क्योंकि एक होता है कि आपने पहले से रूल बेस्ड प्रोफाइल्स बना ली 344 जैसे आप कहते हो, इनकी प्रोफाइल आई आपके डेटाबेस से मैच कर ली और कोई सजेशन दे। दूसरा होता है क्राउड्स बेस्ड कोलैबोरेटिंग फिल्टरिंग जिसके कहते हैं राइट, बाकी आपके जैसे लोग क्या खरीद रहे हैं उस हिसाब से आपने रिकमेंडेशन दी। तो ये दोनों में से क्या किया आपने अभी जो वेबसाइट पे किया? वो जो हमारा एल्गोरिथम जो रेकमेंड कर रहे हैं वो तीनों बैट हमारा एल्गोरिथम रेकमेंड कर रहा है। अच्छा, ये जो क्लाउड बेस्ड डेटा जो है वो तो फिजिकल टेस्टिंग, हाँ फिजिकल टेस्टिंग का क्लाउड बेस्ड डेटा है, जिन्होंने हमारे जी बैट क्लिनिक में फिजिकल टेस्टिंग की है। तो आप दोनों रेकमेंडेशन कंबाइन करके बता रहे हैं, बट इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा टेक नहीं है। आपने क्या किया, बहुत सारे इफ एल्स स्टेटमेंट लिख दिए हैं। हाँ। हाँ। कि ये 10 वेरिएबल हैं, इस कॉम्बिनेशन के लिए ये रेकमेंड कर दो, इस कॉम्बिनेशन के लिए रेकमेंड कर दो, राइट। और ऑफलाइन आप कुछ टेक्नोलॉजी यूज करते हैं? पहले हम आपको एक वीडियो बताते हैं जो हमारे स्टोर में मुंबई में जब आते हैं तो वो ऑफलाइन किस तरह से होता है। ओके, ये हमारे स्टोर है, ये हम लोग दोनों बैट मेकर्स हैं इसका, ये हमारे बैट्स के डिस्प्लेज है बेसिकली। तो ये दो पिच बनाई है हमने। ये तो बहुत काफी बड़ी स्टोर लग रही है। कितनी स्क्वायर फीट है? 2400। अच्छा प्लीज। तो ये जर्नी है कस्टमर की कि वो खुद अपना बैलेंस चेक करता है। ये सेंसर उस बैट पे हम लगाते हैं, जो कस्टमर अपना बैट लेके आता है उस पे भी हम सेंसर लगाते हैं और वो फिजिकली नेट में हिट करता है और उसको रिपोर्ट उसको मिलती है सब रीडिंग्स, जैसे बैट स्पीड, टाइमिंग, पावर, एफिशिएंसी, ये सब उसको मिलेगा और इस रीडिंग के बेसिस पे हम उनको रेकमेंड करेंगे कौन सा बैट है। तो जो सारे रिजल्ट्स है वो आपके पर्सनल बैट जिससे आप खेल रहे हो उसके साथ ही मैप होगा। ये सब चोचलेबाजी करने के लिए कितना ज्यादा चार्ज करेंगे? हम लोग 1000 रुपीस चार्ज करते हैं ये करने के लिए, ट्रायल करने के लिए। और बैट के प्राइस व्हिच इज रिडीमेबल अगेंस्ट द बैट। ऐसा करते हैं, वो डेमो करते हैं। तो फिर ऐसा करते हैं, ये जो जी बैट क्लिनिक है वो इधर शार्क टैंक में ही खड़ा करना पड़ेगा। आप देखोगे तो उनके शॉट एफिशिएंसी 97% आई और उनका पावर 93 आया। ओहो, बैट चेंज करके दिखाओ।
अमन जी ने दो बैट यूज किए ना, तो उसकी रिपोर्ट दिखा दीजिए। करेक्ट सर, आपको खेलने में कौन सा अच्छा लगा? मेरे को जैसे पता लग रहा था कि एक बैट और दूसरे बैट में फर्क है, तो फर्स्ट बैट वाज स्टिल बेटर देन द सेकंड बैट। रिपोर्ट क्या बता रहा है? तो ये आया है सर, तो एज यू सेड, इफ यू सी द 1C इज द सेकंड बैट एंड 6B इज द फर्स्ट बैट व्हिच यू प्लेड विद अमन सर, रेकमेंड फर्स्ट वाला ही है सर। स्कोर इज 82.5 फॉर द सेकंड बैट एंड फॉर द फर्स्ट बैट इज 100। अरे वाह सर, तो ठीक है, बहुत अच्छा। ये कोई और नहीं करता इंडिया में ऐसा? नहीं, नहीं, पूरे वर्ल्ड में सर कोई भी ऐसा। और ये टेक्नोलॉजी आपने इंपोर्ट की किसी कंपनी से? आप रेडीमेड यूज कर रहे हैं ना, आपने तो नहीं बनाया? करेक्ट। तो आपकी बैट बनाने में एक्सपर्टीज है राइट? करेक्ट करेक्ट, हम प्रोफेशनल बैट मेकर्स हैं। तो आपके बैट्स तो फिर सारे क्रिकेटर्स वगैरह को भी जाने चाहिए जब आपका इतना बड़ा इसके अंदर स्पेशलिटी है। बॉस ये जो तू कह रहा है ना, क्वेश्चन बहुत सही है, मैं बता दूं, प्रोफेशनल क्रिकेटर कभी भी ट्राई नहीं करेगा। प्रोफेशनल क्रिकेटर खेलता हुआ रहा है बचपन से, उसको कंपनीज जो होती है SG जैसे मेरठ वगैरह के कंपनीज है, वो बचपन से ही उन्हें पता होता है कौन से बैट में उनका किस में रिदम आ रहा है, क्या हो रहा है। आपके पास जो आएंगे वो नॉन प्रोफेशनल क्रिकेटर जो होंगे ना, जो एमेच्योर होंगे वो ही आएंगे, प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं। हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेटर पूनम राउत, वो हमारे वहाँ पे आ चुकी है। बट एज अ प्रमोशन आई थे या वो एक्चुअली में टेस्ट कराने आए? एक्चुअली में टेस्ट कराने, वो हमारा स्टिकर नहीं यूज करती, वो खाली बैट हमारा यूज करती है। तो फिर क्या सेल्स है आपकी? अभी हमारा लास्ट 4-5 महीने का करंट सेल्स अराउंड 15 लाख है। 15 लाख 5 महीने में हुआ है? यस। और पिछले साल क्या सेल थी? 30 लाख, 31 लाख पूरे साल की। और ये स्टोर का रेंट नहीं निकलता होगा ना? राइट नाउ वी आर बर्निंग लॉस मेकिंग। या लॉस, चलिए थोड़ा सा मार्केट को समझे हम। आप ये बताएं कि आप एक मार्केट में घुस रहे हैं जहां पर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, तो इसका मार्केट साइज क्या है और ग्रोथ रेट क्या है? अभी के लिए 1500 करोड़ है, 1500 करोड़। और ग्रोथ कितनी? तो ग्रोथ इज 10-15%, बट नाउ द ग्रोथ रेट इज इंक्रीज मोर, नॉट पॉसिबल। चलिए 10-15% मान लेते हैं। और एस्टैब्लिश प्लेयर्स कौन है सबसे बड़े? सबसे बड़ी SS। और उनका मार्केट शेयर कितना है? एनुअल उनका टर्नओवर है 580 इज फॉर SS एंड SG इज 310। और वो बहुत सालों से है। हाँ हाँ, वो तो क्रिकेट के बादशाह हैं। तो ये जो दो प्लेयर हैं, इनसे कंपैरिजन में आपका क्या कॉस्ट कम है? तो उनके कंपैरिजन में हम लोग का ग्रेडिंग ज्यादा है, कॉस्ट चार्ज सेम होगा। कॉस्ट इज अबाउट द सेम। और ये 180 करोड़ जो लोग हैं ग्लोबली, उसमें से जो ऐसे सीरियस अबाउट क्रिकेट कितने परसेंट होंगे? 30%। 60 करोड़ लोग, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबल। फिर भी 60 करोड़ लोग कितने होते हैं भाई? सॉरी, हाँ नहीं होगा 3%। नंबर्स वैल्यू एग्जैक्ट मुंह पे नहीं रहेगा। आपको पक्का पता है 1500 करोड़? इंग्लैंड में 30 मिलियन पीपल प्ले प्रोफेशनल रजिस्टर्ड क्रिकेट। अरे भाई, इंग्लैंड की पॉपुलेशन है 65 मिलियन, 30 मिलियन पीपल कैसे खेलेंगे? सर रजिस्टर्ड प्लेयर जो है उनमें उनका ये सारे आदमी शायद लाइफ टाइम में रजिस्टर हुए होंगे, ऐसा कुछ होगा। आपके आंकड़े में गड़बड़ है भैया। लेकिन ये 1500 करोड़ का जो मार्केट बता रहे हो, मैं ये बात से सहमत नहीं हूँ। आई थिंक इट इज मच बिगर, यू डोंट नो द नंबर्स। देखिए भाई, मैंने फैसला बना लिया है तो मैं आपको बता देता हूँ। आप ये कैटेगरी को लेके, बैट्स को लेके बहुत पैशन है आप में, लेकिन ये इन्वेस्टेबल बिजनेस मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मार्केट छोटी है और ग्रोथ कोई इतनी बड़ी आ नहीं रही है ये मार्केट। But I appreciate your passion for the sport. आप अच्छा काम कर रहे हैं, good luck. I'm out. मेरा भी decision बन चुका है। Cricket में मेरी expertise नहीं है, लेकिन business कुछ हद तक समझ में आता है। और दो issues लग रहे हैं मुझे। Number one, you know, TAM इतना high potential नहीं लगता in terms of आपका scalability. And second is, हम at the end of the day founders पे bet लेते हैं। जब आपको आपके नंबर्स ऐसे टॉप ऑफ द हेड नहीं पता, तो ये एक यू नो अच्छी बात नहीं है। तो उसके वजह से मुझे बिजनेस में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। मैं, मेरा भी डिसीजन यही है, आउट हूँ। बट मैं आपको ये बोलता हूँ, आप लोग क्रिकेट एंथुजियास्ट, इंडिया इज अ क्रिकेट एंथुजियास्ट कंट्री, ABC, एस्ट्रोलॉजी बॉलीवुड क्रिकेट, ABCS एंड शार्क टैंक।
गुड वन. सो क्रिकेट इज अ गुड थिंग, आप लोग फॉलो कर रहे हो, बट उसको आपने प्रोफेशन बनाने की कोशिश करी है वो, बट आपने गलत एरिया में कोशिश करी है. यू आर जस्ट अ बैट मैन्युफैक्चरर फ्रैंकली. आपको अपना कोई कॉम्पिटेंसी देखनी पड़ेगा, या तो आप प्राइस पे खेल रहे हो या कुछ या ब्रांड पे खेल रहे हो. तो मेरे को नहीं लगता अभी आपका दिशा कोई सही है किसी भी एरिया में. तो फॉर दैट रीजन आई एम यू नो कोई भी इंडस्ट्री में आजकल नए ब्रांड्स जो आ रहे हैं वो डिस्टर्ब करेंगे ट्रेडिशनल प्लेयर्स को, और ये हर इंडस्ट्री में होगा. आपके जो दो मार्केट लीडर्स हैं वो ही अभी 300-400 करोड़ 500 करोड़ का धंधा कर रहे हैं आफ्टर बीइंग देयर एंड हैविंग इतना मार्केट शेयर. तो अभी लग नहीं रहा कि ये इंडस्ट्री डिस्टरप्ट करने में भी ज्यादा मीट है, तो अभी तो इंटरेस्टिंग नहीं है. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. मुझे लगता है कि आप ने एक अच्छा वैल्यू ऐड दे रहे हैं, एंड एक्सपीरियंस सेंटर इज अ गुड आइडिया. और मेरे को इजीली लग रहा है कि एक एक्सपीरियंस सेंटर 2-3 करोड़ साल की सेल कर सकता है. दूसरा, आपको डीकैथलॉन या किसी से टाई अप करना चाहिए, बिकॉज उनके पास मेगा स्टोर्स होते हैं, उसमें वो आपको एक कॉर्नर दे सकते हैं जिसमें आप ये एक्सपीरियंस, बिकॉज डीकैथलॉन का पूरा फॉर्मेट ही एक्सपीरियंशियल. एक बात बताना मैं रह गया था आपको, फैक्ट हमारा पैन इंडिया टाई अप स्मैश के साथ हो गया है, और हम जो एक्सपीरियंस सेंटर की पीयूष जी आप बात कर रहे थे वही हम हर स्मैश के साथ हर एक स्टेज में खोल रहे हैं. तो बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं आप मेरे हिसाब से. अभी आई थिंक इट इज टू अर्ली, इसलिए मैं बाहर, बट इट्स गुड, मतलब सब कुछ बढ़िया है, एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है चित्रेश सिन्हा और मैं द प्लेटेड प्रोजेक्ट का फाउंडर हूं. मैंने आपके बगल में आपके लिए कुछ रखा है, प्लीज उसे खोल के देखिए. शार्क्स, यहाँ जो भी आता है वो हमेशा आपके लिए एक भरी हुई प्लेट लेके आता है, लेकिन आज मैं आपके लिए ये खाली प्लेट्स लाया हूं. हैरान हो गए, हमारे देश में हर रोज 20 करोड़ लोग एक ऐसी खाली प्लेट देखकर भूखे सोते हैं. इनमें से काफी करोड़ तो बच्चे होते हैं, और एक ऐसे ही बच्चे ने मेरी जिंदगी बदल दी. मैं एक दिन टैक्सी में अपने घर जा रहा था और एक सिग्नल पे मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची बारिश में बैठी हुई है और गीली रोटी खा रही. और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि आज भी हमारे देश में भूख एक इतनी गंभीर समस्या क्यों है. काफी रिसर्च की और इतना पता पड़ गया कि अगर भूख को खत्म करना है तो पैसे से ज्यादा जरूरी है लोगों की सोच को बदलना. मुझे बचपन से आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था, मैंने सोचा क्यों ना मजेदार आर्ट और क्रिएटिविटी से इस सीरियस टॉपिक को टोटली रीइन्वेंट किया है. बस वहीं से शुरुआत हुई द प्लेटेड प्रोजेक्ट की. वी हैव डेकोर एज अ कैटेगरी, इसमें आप खा नहीं सकते. देयर इज अ सेकंड कैटेगरी व्हिच इज डिनर वेयर, ये सारी प्लेट्स आप माइक्रोवेव में डाल सकते हो, डिशवॉशर सेफ है. उसके बाद थर्ड कैटेगरी गिफ्टिंग की तरह लॉन्च की है, जैसे कि ये कैंडल. हम दुनिया भर के आर्टिस्ट के साथ मिलकर ऐसी सुंदर और एक्सक्लूसिव आर्ट प्लेट्स बनाते हैं, और हर प्लेट की सेल पर हम अपनी तरफ से 10 खाली प्लेट्स भरते हैं. हमारी शुरुआत 1.5 साल पहले ही हुई है, लेकिन ऑलरेडी हम 30,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच चुके हैं. आज तक हमने 5,50,000 खाली थालियां खाने से भरी. मेरा सपना है कि 2025 तक इस नंबर को 25 लाख तक ले जाएं और पूरी दुनिया को दिखाएं कि एक छोटी सी कोशिश से कुछ बड़ा हो सकता है. आई एम हियर टू ऑफर यू 2% ऑफ द कंपनी इन एक्सचेंज फॉर 75 लाख रुपीज.
तो शार्क्स, लेट्स एंड हंगर वन प्लेट एट अ टाइम। हाय चित्रेश। हाय सर। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। बहुत अच्छा कॉज आपने पकड़ा है, आई थिंक काफी क्लोज है मेरे हार्ट से भी ये। आई नो सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए, उससे शुरू करते हैं। मेरी पैदाइश गोवा में हुई। वाओ। बट पिछले 15 साल से मैं मुंबई में ही रहता हूँ। अच्छा। मिडिल क्लास फैमिली में था, तो लाइक ऑल मिडिल क्लास चिल्ड्रन पहले इंजीनियर बना, फिर रियलाइज किया कि लाइफ में करना क्या है। फिर मैंने MBA किया, मार्केटिंग में काफी इंटरेस्ट था मेरा, और पिछले करीबन 12 साल से मैं ब्रांड स्ट्रेटजी रोल्स में काम कर चुका हूँ। तो ये ब्रांड स्ट्रेटजी आइडिया है या आपको कुछ, मतलब ये जो आप कर रहे हैं, ये आपको लगता है अगर ऐसा करेंगे तो ब्रांड बड़ा बन जाएगा, या व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर डूइंग दिस? हमारा ब्रांड इंपैक्ट के बेसिस पे बिल्ड किया जा रहा है। इंपैक्ट इज द कोर, बट एट द एंड ऑफ द डे सर, इट इज अ फॉर प्रॉफिट ब्रांड, और अगर प्रॉफिट होगा तो हम इंपैक्ट कर सकते हैं, तो दोनों साथ में करना है। आपने जब स्टार्ट किया तो पहले पर्पस से स्टार्ट किया या बिजनेस से स्टार्ट किया? उस समय जब ये आइडिया आया, हम लोग आर्टिस्ट के साथ कुछ करना चाहते थे। वी वर थिंकिंग अबाउट, सो आर्टिस्ट वाज फर्स्ट, आर्ट एंड आर्टिस्ट, क्योंकि हम लोग एक एजेंसी में काम करते थे, काफी आर्टिस्ट के साथ मिलते थे, देखते थे, और उन लोगों के पास कोई एवेन्यू नहीं था। नहीं तो आपने आर्टिस्ट की नीड से स्टार्ट किया, वो और ये रिलेट ही नहीं कर पा रहा। एक जगह आप कहते हो कि बच्चों को खिलाने का पर्पस था, वो तो है, दूसरी जगह आप कहते हो नहीं नहीं सॉरी जेनेसिस है कि आर्टिस्ट के लिए कुछ करना था। करेक्ट। आपका रियल मोटिवेशन क्या? तो सर मैं जो आपको बता रहा हूँ वही है, आप क्या करना चाहते हो, फॉर प्रॉफिट बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, बिकॉज हमारा कोर बिजनेस है ये। वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ कुकिंग मील, सर्विंग देम, वी डोंट हैव द लॉजिस्टिक्स फॉर दैट, दैट इज द रीजन वी स्टे आउट ऑफ इट, बट वी सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, वी ओनली पार्टनर विद रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस राइट नाउ, हम अपने आप खाना नहीं दे रहे हैं। That's why we call it sponsoring. तो आप कितने पैसे देते हैं? करीबन 150 से 200 रुपए on an average हर product पे हम लोग hunger के लिए। Product देख सकते हैं आपका product? सर ये आपके लिए। Very beautiful. Thank you. What is the price of this plate? So this plate will go for about 2499 with engraving. Without engraving, it is 2199. बहुत सुंदर प्लेट है. Why is it 2500 rupees? Because वो एक टर्न ऑफ हो जाता है. Actually इतना महंगा नहीं है मैम. अगर आप आज अपने घर के लिए एक डिजिटल प्रिंट लेना चाहें और उसमें एक वुडन फ्रेम वगैरह लगाएं, आई कैन बेट यू मैम कि वो 1800 से ही शुरू होता है। लेकिन 1.5 साल में सिर्फ 30,000 प्रोडक्ट्स क्यों हैं? हाँ, तो हमने शुरुआत की थी एक सिंगल प्रोडक्ट और एक सिंगल कैटेगरी से, बट 8-9 महीने पहले आई थिंक हमने रियलाइज किया कि इसमें पोटेंशियल काफी ज्यादा है, एंड देन पूरी टीम जो बनी वो काफी सीरियसली इसको पुश कर रही है। तो शुरुआत थोड़ी स्लो थी, लेकिन लास्ट मंथ हम लोगों ने 40 लाख पे अपना मंथ क्लोज किया है। नेट रेवेन्यू की सेल्स? द सेल्स रेवेन्यू। प्रॉफिट कितना था? ऑन एन एवरेज हम लोग का EBITDA फॉर द लास्ट ईयर वाज 15% सर, बट लास्ट मंथ यू मेड 6 लाख। हमारा करीबन 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट था आफ्टर ऑल कॉस्ट डिडक्टेड। वेरी नाइस चित्रेश, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि 40 लाख का सेल्स मिक्स क्या है। सेकेंडली, 3 साल में आपका क्या सेल्स होगा, वो सेल्स का विजन क्या है, ग्रोथ कौन से एरिया से आएगा? करेंटली हमारा 90-10 स्प्लिट है, 90% डेकोर, 10% इज डिनर वेयर, और कैंडल्स वगैरह तो इट्स मार्जिनल, सो दैट्स आई हैव क्लब्ड इट इन 10. इस साल जो 10 करोड़ का हम लोग गोल करेंगे, उसमें वी आर गोना मेक इट 70% डेकोर, 20% dinnerware and 10% will be candles and other gifting items. उसके अगले साल जो 40 crores का हम लोग goal रखा हुआ है, उसमें 50% will be decor, dinnerware will increase proportionately, और बाकी चीजें will be the special items जो हम लोग launch कर रहे हैं। That is the plan currently जो 3 साल का हमने outline किया है। 2025 तक 100 करोड़ का ब्रांड खड़ा करना है। तो न्यू launches से आपका ग्रोथ आएगा। करेक्ट। डेकोर को छोड़ के जो भी आप देख रहे हो, उसको लॉन्च किए खाली 2 महीने हुए हैं, और ऑलरेडी पहले महीने में 10% ऑफ आवर सेल्स केम फ्रॉम द डिनरवेयर रेंज। मिडिल ईस्ट इज अ ह्यूज मार्केट फॉर अस,
पिछले साल जीरो मार्केटिंग के साथ हम लोगों का 10% टोटल टॉप लाइन रेवेन्यू आया था इंटरनेशनल मार्केट से. तो 10 crores वी आर इजीली गोना डू दिस टाइम. चित्रेश, मुझे थोड़ा सा ना चैलेंज आ रहा है इसकी डिफेंसिबिलिटी में. हंगर वाला जो आपने बात करी ना, मुझे उसमें उतना इम्पैक्ट नहीं लग रहा है कि हो पा रहा है. बिकॉज जो लोग ये खरीद रहे हैं उसकी जो पॉपुलेशन है वो लिमिटेड है. तो एक टाइम के बाद आने के बाद ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए मैं आज इससे बाहर होना चाहूंगा. तो यार मेरे को बड़ा इंटरेस्ट है क्योंकि आपका मकसद बहुत पावरफुल, ठीक है. लेकिन यहाँ बैठे हैं हम सिर्फ उसके लिए नहीं. Of course. Not for charity. We are here to make a return as well. Correct. मैं पैसे कैसे बनाऊंगा इसमें ये मुझे समझाइए. क्या आप बहुत VC पैसे उठाएंगे? ये मेरे लिए खाली एक क्विक एग्जिट टाइप का बिजनेस नहीं है सर. मेरी लाइफ का गोल है ये. तो सस्टेनेबली ग्रो करना है सर. VC मनी तभी उठाएंगे जब सच में जरूरत पड़ेगी और आपकी गाइडेंस के साथ. आज तक हम लोगों ने किसी से कोई भी सीड फंडिंग या कुछ भी नहीं उठाया. I own 100% of the company. सस्टेनेबली यहाँ तक खड़ा किया सर. थैंक यू. क्योंकि आपका मकसद मुझे पसंद है, आप मेहनत भी बहुत करोगे, मुझे लगता है मुकद्दर भी आपका साथ देगा. मैं आपको एक ऑफर करता हूँ. 5% for the amount you asked for, 75 lakhs. That's my final offer, no negotiation. तो अनुपम ने आपको वैल्यूएशन दिया 15 करोड़ का. Correct. आपकी आस थी 37.5 करोड़. Correct. तो मुझे ट्रस्ट है कि आप ये साल 10 करोड़ का सेल्स करेंगे और फिर 25 और 40 कर पाएंगे. तो उस ट्रस्ट के बेसिस पे मैं आपको 30 करोड़ का वैल्यूएशन देना चाहूंगी, बट अलग स्प्लिट. 30 lakhs फॉर 1% एंड बैलेंस 45 lakhs इन डेट. डेट इज नॉर्मल 12%. ये है मेरा ऑफर. चित्रेश, फर्स्टली आपका जो बिजनेस है ये एक यू नो पर्पस ड्रिवन ब्रांड का बिजनेस है. आपका फोकस D2C है. आपको जरूरत है पार्टनर्स की जो ब्रांड समझते हैं. तो इसलिए आई डोंट थिंक आपको बेटर कॉम्बिनेशन मिल सकता है देन अमन एंड आई. जो वैल्यूएशन अनुपम ने दिया है हम उसी वैल्यूएशन को मैच करना चाहते हैं. याद रखना पहले किसने ऑफर दिया था, कौन कॉपी कर रहा है मेरा. तो आप डिसाइड करिए फटाफट से क्योंकि ऑफर निकल जाते हैं यहाँ पे. पर गुड न्यूज ये है कि आप खाली प्लेट नहीं जाओगे. आज आपकी प्लेट भर के जाने वाली है. लेट्स सेलिब्रेट दैट. वेल डन. या वेल डन. सो आई वुड नॉट वांट टू स्टेप आउट एंड कम बैक एंड हैव द ऑफिस चेन. विदाउट एनी डाउट नमिता मैम, आई वांट यू टू बी देयर विद अस. So I want that for sure. मतलब हमारे लिए संकोच है? नहीं नहीं, संकोच नहीं सर. हम चल जाते हैं. दूसरी बात ये है कि अगर आप तीनों भी मिलके आ सकते हो, I would love to have all four of you because the synergies that exist. बताइए ना, counter offer बताइए, numbers बताइए. So अगर आप remaining 4% जो है, let's keep it at 5% जो आप कह रहे हैं. But अगर आप 30 crores का valuation map match कर सकते हो, so how then increase the amount of money 75 lakhs to 1.5 crore? I am open to that. नहीं, अगर हम चार आएंगे ना, तो valuation थोड़ी कम करने. What is it that you have in mind, sir? अगर हम चार आए और आपको हमने बताया कि 20 करोड़ का valuation पे चार लोग आएंगे, 80 लाख total डालेंगे, मतलब 20 lakhs each person. नहीं नहीं नहीं, I'm out of that. I'm not interested. 1% में कुछ नहीं. आप final बताओ. तो तीन को आप ले लो. ठीक है, हम तीन आते हैं. So last offer. अगर हमें तीनों को साथ में आना है, तो आपकी प्लेट में यही ऑफर है, 3.75%, 75 lakhs. 20 करोड़ वैल्यूएशन, थ्री ऑफ अस, सच्ची है कहानी है, मान जा मेरी जान. 25 करोड़, 20 करोड़ हाँ ना, हम तीनों जाते हैं. और तीन लोग आ रहे हैं, तीन शाख, तू छोटी बात कर रहा है.
इसी से हमारा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट शुरू हो जाता है, तेरे को पता है फिर? ओके शार्क्स, डील पक्की। थैंक यू अनुपम जी, प्रोड्यूसर, थैंक यू फॉर ऑल द इनपुट। वेरी गुड, गुड डिसीजन। थैंक यू, आई एम श्योर बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। 100% सर। हेलो, हाँ सच, अरे बड़े हमारा शार्क टैंक में हो गया। क्या बात कर रहे छोटे? नहीं सही में मुंबई जाना है यार, होटल बुक कर जल्दी। भाई इस होटल की फोटो देख, क्या सुंदर लग रहा है यार फोटोज में, बुक कर तुरंत यार। अब शार्क्स के सामने ना स्मार्ट दिखना है जाके, कोई अच्छा सा ट्राउजर या शूज ऑर्डर करना। भाई ये शूज देख, इसको पहन के डूड लगेगा डूड। शार्क्स, आज की डेट में जो दिखता है वही बिकता है। आप अमेज़न पे एक प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं उसकी फोटो देखकर, आप खाना तक खाते हैं जोमैटो या स्विगी पे उसकी फूड फोटोग्राफी देखकर, और फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं आप एक ब्रांड बता सकते हैं जो ये सारी फोटोग्राफी करता हो, या मैं आपको बोलूं कल रात के लिए एक फोटोग्राफर बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, आज से पहले आप ये भी नहीं कर पाते पर अब कर पाएंगे। सचिकाल एवरीवन, वी आर वी स्नैप यू, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर फोटोग्राफी नीड्स। ये है 2,00,000 करोड़ की मार्केट। हम है एक प्लेटफॉर्म जहां पे आप फोटोग्राफर बुक कर सकते हैं भारत के 40 शहरों में और दुनिया के 28 देशों में। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, न्यूजीलैंड से लेकर आइसलैंड तक, वी स्नैप यू ने किए हैं 30,000 से ज्यादा शूट हमारे फोटोग्राफर नेटवर्क के द्वारा, जिसमें है 1,000 के आसपास टैलेंटेड फोटोग्राफर। हमारा विजन है इस पूरी फोटोग्राफी इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करना, और इसके लिए हम आपसे मांग रहे हैं 50,00,000 रुपए 1.5% इक्विटी पे। तो अब टेंशन ना लीजिए शार्क्स, क्योंकि फोटो खिंच गई। भाई तुम्हारा नाम क्या है भाई? मैं हूँ तरनबीर सिंह सहानी और मैं वी स्नैप यू में ऑपरेशंस हेड करता हूँ। मेरा नाम है परमिंदर सहानी, मैं वी स्नैप यू में स्ट्रेटजीज लीड करता हूँ। और अगर आप अलाउ करें मैं स्टेज पे हमारे 2 को-फाउंडर्स को भी बुलाना चाहूंगा। वाओ, 4 को-फाउंडर्स, अमेजिंग। वाओ, वेलकम गाइस। नमस्ते शार्क, मैं हूँ कौशिक सिंह और मैं देखता हूँ वी स्नैप यू की टेक्नोलॉजी। नमस्कार। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ अंशु शर्मा और मैं वी स्नैप यू के लिए बिजनेस डेवलपमेंट और पार्टनरशिप्स करता हूँ। वेलकम टू शार्क टैंक गाइस, पहले तो अपने बारे में बताओ, थोड़ा आपकी स्टोरी बताओ। परमिंदर और मैं सगे भाई हैं, हमने ये कंपनी चालू की थी 2017 के एंड पे, और परमिंदर और कौशिक एक दूसरे को लगभग 10-15 साल से जानते हैं, स्कूल फ्रेंड्स थे। अच्छा। अंशु जी हमारे साथ जुड़े क्योंकि एक क्लाइंट साइट पे इन्होंने हमारे साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए थे, इनको आइडिया इंटरेस्टिंग लगा, ही वांटेड टू जॉइन आवर टीम एंड इसीलिए हमारे साथ। तो इससे पहले क्या करते थे? सर आई हैड अ ट्रैवल कंपनी बिफोर दिस, और उसी से ये आइडिया आया था। हमारे पास एक कस्टमर आए थे जिन्होंने बोला कि हमको फोटोग्राफर चाहिए अपने मुन्नार के पैकेज के लिए, तो तब हमने फोटोग्राफर्स को मैंने कॉल करना स्टार्ट किया और समझ में आया कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। अगर ये 1,00,000 के पैकेज में अगर मैं 4,000 रुपये के आसपास या 2,000 रुपये में फोटोग्राफी डाल देता हूँ तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होगा, क्योंकि आजकल लोग छुट्टी में जाते भी हैं फोटोज़ के लिए और वहाँ जाके भी खींचते ही फोटोज। ये विनीता तो इंस्टाग्राम से बाहर ही नहीं निकलती। सबसे ज्यादा इक्विटी किसके पास? हम दोनों के पास इक्वल इक्विटी और दोनों इनके पास, सर इनके पास 5-5% है दोनों के पास। एंड इन्वेस्टर हैं कोई? यस सर, यस। इससे पहले हमने 2 इन्वेस्टमेंट्स लिए। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही थी, 36 INC, और उसके बाद हमने रिसेंटली एक राउंड क्लोज किया है IPV के साथ। कितने में, क्या वैल्यूएशन पे बताइए? 3 महीने पहले हमारी टर्म शीट क्लोज हुई है, मनी इन द बैंक है, 17 CR प्री मनी वैल्यूएशन, 19.1 CR का हमारा राउंड ये क्लोज हुआ है।
2.1 crores. Thank you. थोड़ा सा मैं आपका बिजनेस समझना चाहूंगा कि ये आप अर्बन कंपनी फॉर फोटोग्राफर्स है। सर डिफरेंस है हमें, आप अगर अर्बन कंपनी से एक फोटोग्राफर बुक करना चाहते हैं है ना, तो आपको पता है कि एक फ्रीलांसर आएगा, वो अपना काम करके जाएगा जो उनके साथ एनरोल्ड है। यहाँ पे हम खुद एडिटिंग करते हैं, हम क्वालिटी की गारंटी लेते हैं। तो जब हम जोमैटो के लिए शूट करते हैं तो वो हजारों रेस्टोरेंट्स अपने अपलोड कर देते हैं हमारे पैनल पे, और उसकी क्वालिटी गारंटी हमारी हो। तो आपका B2B बिजनेस है? B2B नहीं, B2C भी हम ये करते हैं सर, जहाँ भी फोटोग्राफर की नीड है। आपकी इंडस्ट्री थोड़ी समझते हैं, दोनों का साइज बताइए, B2B कितना बड़ा है और B2C कितना बड़ा? 2 लाख करोड़ का मार्केट है ये ग्लोबल, जिसमें इंडिया मार्केट जो है वो 50,000 करोड़। 50,000 crores. एक बात मान लेते हैं कि 80% of that money will go to the photographer. 55% photographer को देते हैं, 45% हमारे पास होता है। जनरली स्पीकिंग जब इंडस्ट्री साइज देखते हो, सारे लोग तो आपके साथ काम नहीं करते हैं। नहीं तो एवरेज अगर आप देखोगे तो 80% इंडस्ट्री फोटोग्राफर को जाएगी, तो बचा 10,000 करोड़। तो उसमें आप कितना मार्केट ले पाओगे ये हमको विचार करना है। अभी आपका क्या रेवेन्यू है मंथली? For this year, it's 15 lakh per month. ये आपका कमीशन है या ये जो फोटोग्राफर पैसे कमाता है वो? ये हमारी सेल्स है, टोटल सेल्स। ये GMV है? ये GMV है। तो इसका आपको खाली 40% में आपको मिलता है, 60% फोटोग्राफर को जाता है। तो 72 लाख रुपए साल का आपका बिजनेस है। हमारे पास एक प्रोडक्ट डेमो है ताकि आप पूरा प्रोडक्ट डिटेल में समझ सके। तो श्योर, ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ से आप फोटोग्राफर बुक करते हैं 45 सेकंड, बुक अ शूट पे क्लिक कर सकते हैं। हम आपको 3 अलग अलग प्लान्स दिखाते हैं, आप इनमें से कोई एक प्लान चूज कीजिए और हमें थोड़े से डिटेल्स दे दीजिए, व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए और शूट की डेट टाइम बता दीजिए और पेमेंट कर दीजिए। इसके बाद आपको फोटोग्राफर की डिटेल्स व्हाट्सएप पे आ जाती है, और इसके साथ साथ शूट होने के बाद जो एडिटेड पिक्चर्स की लिंक है वो भी व्हाट्सएप पर आ जाती है, और आप सारे हाई डेफिनेशन पिक्चर्स डाउनलोड कर। मेरी वाइफ ग्रीस जाती है ना, तो वो मुझे खाली फोटो खींचने के लिए लेके जाती है। Exactly. हम भी पीड़ित हैं सर। और उसको कोई रीजन नहीं है, मेरा मैंने दिन का कोटा है, 100 फोटो पर डे खींचता हूँ। झूठ मत बोल, तू प्रिया से ज्यादा फोटोज खिंचाता है। प्रिया सर, हमारे पास प्राइस से हम डिसरप्शन कर रहे हैं मार्केट में। इंडिया में हम फोटोग्राफी सर्विस 1414 रुपए में 1 घंटे का फोटोग्राफर प्रोवाइड कर देते हैं। ग्रीस में हम 7,000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच में आपको फोटोग्राफर प्रोवाइड करते हैं। यूरोप में ये सर्विस ऑलरेडी है? यस सर, ये लोग कर रहे हैं ये। राइट सर, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि लॉन्ग टर्म में जैसी मोमेंट फोटोग्राफी ये सारा है, डिक्लाइनिंग मार्केट है, क्योंकि लोग अपने आप ही एडिट करना, फिल्टर लगाना, फोन्स बेटर होते रहेंगे। तो मैं जब 10 साल 20 साल डाउन द लाइन देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यू नो ये मार्केट आउटसोर्सिंग वाला कम होता जाएगा एंड खुद करने वाला बढ़ता जाएगा। तो मेरे लिए अभी यू नो ये थोड़ा सा रिस्की बिजनेस है फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, तो अभी के लिए मैं इससे आउट रहना चाहूँगी। But best of luck, I hope you can become the biggest brand in photography in India. मुझे लगता है आपके, जैसे मैंने शुरू में कहा था, B2B और B2C के दो सेगमेंट हैं। B2B जहाँ तक मेरी समझ है लो मार्जिन और हाई रिलेशनशिप बिजनेस, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। B2C में प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ा लो फ्रीक्वेंसी यूज केस है। जब आप लो फ्रीक्वेंसी यूज केस का ऐप बनाकर मार्केट प्लेस बनाते हैं जैसे फोटोग्राफी में, वहाँ पर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इतना हाई हो जाता है, और क्योंकि आप थर्ड पार्टी फोटोग्राफर्स यूज कर रहे हैं वो इकोनॉमिक्स बैठते नहीं, तो इस वजह से मैं आउट हूँ। बट आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक गाइस। मेरा इन पॉइंट्स के एडिशन में और एक इशू है, तो मैं बहुत सारे फोटो खींचती हूँ क्योंकि फॉर मी फोटोग्राफी मीन्स उस मोमेंट में इमिजिएटली क्लिक करो या तो फिर वो मौका चला जाता है। अभी आपका कैसा है ना, फोन करो, बुक करो, वो आएगा फोटोग्राफर, तब तक मैं वो मेरा मोमेंट चला गया। इस वजह से ये मेरे लॉजिक और इंटरेस्ट दोनों में फिट नहीं हो रहा है, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। ये मॉडल में रिपीटेबिलिटी और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट की वजह से मेरे को अभी इतना कन्विक्शन नहीं है और हाईली कंपेटिटिव रहेगा, इसलिए मैं बाहर हूं। आपका बिजनेस मॉडल सॉलिड है, इसकी प्रॉब्लम है इंडिया में, बट क्या वो कंपनी आप बनोगे या वो कंपनी अर्बन कंपनी बनेगा
जो कि जिसके पास कस्टमर बेस है, जो खाली एक ये वर्टिकल ऐड कर सकता है, इस पे मुझे थोड़ा डाउट है। उससे ज़्यादा बड़ा रीज़न है कि अगर ये इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो मेरी वाइफ मुझे ले जाना बंद कर देगी। जोक्स अपार्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड डू वेल। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ ऑल द बेस्ट। बाय। नमस्ते शार्क्स। नमस्ते। कितना डाइवर्स है इंडिया। आज हमारे देश के हर प्रांत, हर शहर, हर गली में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट आइटम्स बनते हैं। इन सब में एक चीज कॉमन है जो हम सबको जोड़कर रखता है, वो है ब्रेड। फिर चाहे वो साधारण सैंडविच हो या फिर हो शाही टुकड़ा। बट क्या आप जानते हैं इस ब्रेड में है क्या? खूब सारी एम्प्टी कैलोरीज जिससे आप मोटे हो जाते हैं। केमिकल्स एंड कलर्स जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और इसमें प्रोटीन तो बिल्कुल भी नहीं होता। आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्या? लेकिन इस बिजी लाइफ में ब्रेड जैसे कन्वीनियंट, स्वादिष्ट और फिलिंग आइटम को कोई कैसे अवॉइड करे? हमारे होते हुए ये अवॉइड करने की जरूरत भी नहीं। मैं हूँ विनय महेश्वरी। और मैं हूँ मोहित सांखला। हम है द हेल्थ फैक्ट्री के फाउंडर्स। हमने एक इंटरनेशनल फूड टेक्नोलॉजिस्ट की मदद से इंडिया का सबसे पहला प्रोटीन ब्रेड बनाया। हमारे प्रोटीन ब्रेड में साधारण ब्रेड से 300% ज्यादा प्रोटीन, 20% कम कार्ब्स, लो फैट, लो शुगर, जीरो कोलेस्ट्रॉल और नो ट्रांस फैट। आज हम मुंबई और पुणे में करीब 100 से भी ज्यादा रिटेल आउटलेट्स और लगभग सभी बड़े ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में मौजूद है। और सबसे बेस्ट बात पता है क्या है? क्या है? यही कि आप हमारी वेबसाइट से हमारी ब्रेड को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसमें होता यह है ब्रेड फ्रेश आपके घर पर डिलीवर किया जाता है बनने के कुछ ही घंटों में। हम चाहते हैं कि द हेल्थ फैक्ट्री को इंडिया का सबसे बड़ा ब्रेड वाला बनाए। आज हमारी आस्क है 75 lakhs फॉर 2.1% इक्विटी। आओ शार्क्स, देश का ब्रेड बदले। ब्रेड बदलो, आदत नहीं। Wow. तो मोहित और विनय, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। आप दोनों बहुत यंग लग रहे हैं। क्या उम्र है आपकी? I'm 31. मैं 27 साल का हूँ। ओके, और आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? हम, ये मेरा कजिन है। और इसके बारे में आपने कैसे सोचा? कुछ इंसिडेंट हुआ, कैसे ट्रिगर हुआ ये वेंचर का आइडिया? जब मैंने मेरा वर्क लाइफ स्टार्ट किया, तब मैं हर रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले 6 slices bread और कुछ 6 slices bread हर रोज और वेजिटेबल्स खा के जाता था। तो 3 sandwich हो गई, 6 slices तो। 3 sandwich खा के जाता, 6 bread। मम्मी पापा राजस्थान से, वो हमेशा यही कहते हैं, अरे ये हर रोज क्या ब्रेड लगा रखा है, कुछ हेल्दी खा के जा। एक दिन किचन गया तो देखा कि ब्रेड आना कम्प्लीटली बंद हो गया है। तभी ठान लिया कि एक ऐसा ब्रेड बनाऊंगा जो न्यूट्रिशियस ही नहीं बल्कि स्वादिष्ट भी है। आपका बैकग्राउंड क्या है दोनों का, एजुकेशन? मैंने अपना BBA किया है सिम्बायसिस पूना से। और मैं BFM ग्रेजुएट हूँ जैन कॉलेज से। तो आपकी ब्रेड और नॉर्मल ब्रेड में कोई फर्क होता है? काफी फर्क होता है। कैसे? बताओ, दिखाओ, सुनाओ, सुनाओ। खिला दो यार। शार्क्स, मैं कुछ क्षण चाहता हूँ। हाँ यार, बिल्कुल भूख लगी हुई है, एकदम बिठा के रखे हो। क्या है, खा लो। वाओ, ये तो फुल फ्लेज्ड मील है। ब्रेड तो अच्छी है, ऐसा लग रहा है अभी इटली से आई है। स्मेल्स नाइस, इट्स प्लेस नाइस, वेरी नाइस। आपने अपना नाम द ब्रेड फैक्ट्री क्यों नहीं रखा? क्योंकि जब हम कंपनी चालू किए थे तब हम सोचे थे कि इस अम्ब्रेला नेम में काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे डाउन द लाइन। मेक सेंस, दैट्स स्मार्ट। बट फिर हम डाउन द लाइन हमने ये रियलाइज किया, और वेरी ऑनेस्टली जब मैं आपकी पिचेस भी देखता हूँ तब मैं एक चीज में वेरी स्ट्रांगली टेक बैक करता हूँ, फोकस। तो यू वांट टू बिकम अ ब्रेड कंपनी? द ब्रेड वाला ऑफ द कंट्री। हमारे, हम जो ब्रेड लेते हैं घर पे आती है हार्वेस्ट गोल्ड वगैरह, वो कितने की आती है?
वो आपको अराउंड 40 से लेके 50 रुपीज तक आती है। और ये कितने की है? 60 रुपीज। तो उसमें तो बट साइज बड़ा होता होगा ना? ये 250 ग्राम्स है, वो अराउंड 350 टू 400 ग्राम्स। तो ऑलमोस्ट डबल हो गया। डबल हो गया ना? 1.5 टाइम्स। एक बात समझाइए, ब्रेड इंडस्ट्री की क्या साइज है इंडिया में? 8000 करोड़ प्लस है ब्रेड इंडस्ट्री का साइज। इसमें से ऑर्गेनाइज्ड है 50 से 55%। अच्छा। और अनऑर्गेनाइज्ड है द बैलेंस। मेरे को अपनी सेल्स बता दो कि कितनी सेल हो रही होगी। तो हमने एक मई एंड में एक फंड रेज किया था। अरे फंड रेज के पहले हमारी सेल थी अराउंड 11 लाख रुपीज। बिजनेस स्टार्ट कब किया था? 2018 में प्रॉपरली एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। ठीक है, तो उसके इयरली बताओ। 2019-20 में हमारा सेल था 75 लाख। 2020-21 में हमारा सेल था कोविड के वजह से 60 लाख। ओके। 2021-22 में हमारा सेल था 90 लाख। ओके। फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 22 में हमारा सेल था 37 लाख। जो अभी क्वार्टर चल रहा है, हम ऑन ट्रैक है 70 लाख सेट करने को। वेरी नाइस। जो हमारा 30 लाख का प्रोजेक्शन है ये महीने का, वो हम शायद आउटबीट भी कर देंगे। वेरी नाइस। और इस साल कितना होने का चांस है? एनीवेयर बिटवीन 4.5 to 5 crores। वेरी नाइस यार, गुड बिजनेस यू बिल्ट। अगर यूनिट मेट्रिक्स अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा रॉ मटेरियल और पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट है 32%, हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है 12%, हमारा ग्रॉस मार्जिन बनता है इससे 56%, 56% में से 13% है हमारी डिलीवरी चार्ज। अगर आप ये इस साल 5 करोड़ करोगे उसमें पैसा कमाओगे या नहीं? कमाएंगे। नहीं कमाओगे? नहीं। तो कितना लॉस किया आपने? ये महीना हमारा बर्न था 6 लाख। तो मार्केटिंग कितना है? 43% तक पहुंच गए थे हम। अराउंड 20% मार्केटिंग। अराउंड 20%। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। सब्सक्राइबर्स ने हमें 3 साल का एडवांस पेमेंट देके हमारे साथ सब्सक्रिप्शन लिया है। वाओ। हमारे फर्स्ट सेट ऑफ कंज्यूमर्स आज भी हमारे कंज्यूमर्स हैं। तो आप अपना डिलीवरी खुद करते हैं सब्सक्राइबर? हम अपना डिलीवरी खुद करते हैं। वो तो स्केलेबल ही नहीं होगा, आप छोटे एरिया में ही कर पाओगे। अगर मैं आपको एक और फैक्ट बताऊं तो हमारा जो लॉजिस्टिक्स मॉडल है, जो 6 से 10 के बीच में हमारी फ्रेश ब्रेड की डिलीवरी होती है, आज हमारा पर ब्रेड के पीछे अराउंड 18 रुपीज लगता है डिलीवरी, जो पूरा सिटी कवर कर लेता है। हो ही नहीं सकता। अगर स्विगी को 30 रुपए लगते हैं तो आपको 18 कैसे लग सकते? आपका स्लॉट है, ये स्लॉट के बीच में आप डिलीवरी करते हो तो साथ में ज्यादा माल ले जाते हो, उससे आपका कम हो जाता है। स्विगी का ऑन डिमांड है इसलिए वो हमेशा ज्यादा रहता है। बट आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती होगी इसमें वेस्टेज की, am I right? 12 से 15% आज वेस्टेज है। वो आपने फैक्टर नहीं किया यूनिट इकोनॉमिक्स में? नहीं। क्यों? तो लेना चाहिए ना। तो वापस आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स बताइए। और ऐसे स्टार्ट करने से पहले थैंक यू अमन, आपने याद दिलाया वेस्टेज का पॉइंट। अब मैं आगे बताता हूँ, ऐसे बोल। थैंक यू अमन। बोलिए। हमारा वेस्टेज 20% से स्टार्ट हुआ था, आज 12% है। To answer the other question, जो उससे कितना impact आ रहा है, 8% impact आएगा अपने total gross margin पे। तो total बच गया net कितना? 35 बचा। Team में कौन-कौन है? मैं हूँ founder and CEO, मोहित। मोहित आप दुखी क्यों थे जब numbers की बात हो रही थी? तो आप इतना परेशान क्यों थे? नहीं, मैं परेशान लग रहा हूँ? हाँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो इसलिए तो नहीं थे क्योंकि ये बहुत पैसे गवा रहा है? नहीं। तो हंसो। आप क्या co-founder है? जी। एक्विटी कैसे स्प्लिट है? आज मेरे पास 74.7% एक्विटी है। हमने एक ईसॉप पूल बनाया है जिसमें से मोहित का एक्विटी परसेंटेज है 2%, जो अभी ईसॉप पूल है। तो आप जो फाउंडर नहीं, जस्ट एड्रेस कर दो। जो हम अभी जिस पेपर पे मोहित को co-founder ला रहे हैं। तभी वो परेशान है, उसे ज्यादा चाहिए थी, वो तो आप उसे टू दे रहे हो। तो और इन्वेस्टर को कितनी इक्विटी दी और कितना पैसा रेज किया आपने? अभी रिसेंटली हमने 14.1% इक्विटी दी है और हमने रेज किया था 1.83 crores। पैसा भी आपके पास मोस्टली सारा पड़ा है बैंक में? 1.4 crores आज बैंक में। क्या वैल्यूएशन पे रेज किया ये? 12.5 crores प्री मनी। 12.5 crores एंड दैट वाज मी। और अभी आपकी आस्क 35 करोड़ हो गई, तो 3x। हमने जो एक क्वार्टर में जो डेमोंस्ट्रेशन किया है वेरी स्ट्रॉन्ग है। एट द सेम टाइम लॉस में जाने का,
ये बीच बीच में काफी बोलती हैं आपको ऐसा लग रहा है। ये सब बोलते हैं, मैं ही हूँ शरीफ शाह। गुड, आपके काफी अच्छे स्किल्स हैं लीडरशिप के। यहाँ पर बोलिए बोलिए। हमारा नेक्स्ट क्वार्टर का जो प्लान है जिसमें हम दिसंबर एंड में अराउंड 55 लाख जो हिट करने वाले हैं, तो हमारा आस्क जो आज आपके सामने है वो है 1 quarter forward multiple at 6x ऑफ रेवेन्यू। मैं आपको मेरा डिसीजन बता देती हूँ। तो मेरा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्योंकि 2 महीने पहले ही मैंने एक ब्रेड कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो उस वजह से आई एम आउट। कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया है नमिता? द ब्रेड कंपनी। उनका क्या रेवेन्यू है? उनका महीने का 3 crore का रेवेन्यू। आप लोग स्लो क्या थोड़ा एग्जीक्यूशन में? हैव यू मिस्ड द बोट समवेयर? आई थिंक वी आर इन द राइट सीजन नाउ। अच्छा भाई, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये ब्रेड्स में 2-3 कैटेगरी बन के सामने आ रही है। एक जो है स्टैंडर्ड रेगुलर ब्रेड जो खरीदते हैं, दूसरी है जो आर्टिसनल ब्रेड हो गई, तीसरी कैटेगरी हो गई वेयर पीपल वांट टू ईट द सेम ब्रेड लेकिन वो कन्विंस करना चाहते हैं अपने आप को कि ये थोड़ा हेल्दी है, वहाँ पर आप शायद आएंगे, क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ आपकी ब्रेड हेल्दी है। 20% लेस कार्ब्स does not equal to health. It's not healthy. Right? It is healthier. It's healthier. अभी वो जो category है, वहाँ पर कितने brand हैं और कितनी तेजी से grow? 2 or 3 brand हैं. For example, Theobroma है, Baker's Dozen. Size क्या है? उनका size, to be very honest, मुझे इसका answer नहीं है आपके लिए. मुझे लग रहा है आप एक tough space पे आ गए हो. And that is why it'll be tough for you to compete with the mass brands. एक बात ये है। दूसरी बात ये है, मैं generally speaking उसूलों के कारण ऐसी companies में invest नहीं करता जहाँ पर health को लेकर claims थोड़े questionable होते हैं। तो for that reason I'm out. Good luck guys on your journey. मुझे लगता है आपका zero मैदा वाला claim I don't agree with अनुपम। बहुत अच्छा क्लेम है, बिकॉज आजकल लोग सोच रहे हैं कि यू नो फाइबर वाला जीरो मैदा खाना। तो ये जो कैटेगरी है ये डेफिनेटली जैसा आपने बोला ये ग्रो कर रही है, पर मैंने 8 साल में देखा है कि काफी लव एंड पेशेंस चाहिए होता है। जो आपने एक दो ब्रांड्स नेम किए उसमें से बेकर्स डजन की जर्नी मैंने बहुत क्लोजली देखी है, वो काफी स्केल कर गए हैं, 60-70 crores के रेवेन्यू रन रेट पे पहुंच गए हैं। आई थिंक थियोब्रोमास 100 crore प्लस होगा, तो इस वजह से मुझे ये पार्टनरशिप में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं आउट हूँ। 3 साल में कितना बड़ा बिजनेस बन जाएगा? 60-65 crores। 5 crore से सीधा 65 crores? Yes sir. 60 करोड़ में प्रॉफिट कितना होगा? Around 14% EBITDA. 14? तो सौदा सही रहा या खराब? अब आपने तो मेरे साथ 3 साल की बात की, अगर मैं आपको 10 साल बाद के बारे में बात करूं, तो मैं इसे एक्चुअली इंडिया का सबसे बड़ा ब्रेड वाला बनाना चाहता हूँ। हाजिर जवाब। देखो, 2 players ऑलरेडी यहाँ बैठे बैठे पता है, 60 crore कर रहा है, 30 crore कर रहा है। आप अभी रेस में थोड़ा पीछे चल रहे हो, आप लोगों को थोड़ा तेज भागना पड़ेगा, थोड़ी एग्जीक्यूशन पे काम करना पड़ेगा। अभी के लिए आई एम आउट बिकॉज ऑफ द एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज। चलिए, मैंने डिसीजन बना लिया है, मुझे नहीं लगता 2-3 crore रुपए से काम होगा। डिफरेंशिएशन उतना नहीं है, तो इसलिए आज इससे बाहर हूँ। मतलब ऑन द फैंसी था मैं, टू बी ऑनेस्ट। ऑल 5 sharks आउट, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर वी विल रिपेंट दिस डिसीजन। आई होप वी डू। बाय, थैंक यू, सी यू मैन, चीयर्स। और आप, हेलो, और आप। आज शक एक्सपीरियंस में अमन, हरदा से हर्ष का सवाल है, मैंने अपना स्टार्टअप 1 महीने पहले शुरू किया, क्या एक नए बिजनेस में स्टार्ट से सैलरी लेना गलत है?
मुझे लगता है एंटरप्रेन्योर को सैलरी लेनी चाहिए, डिपेंड करता है कि एंटरप्रेन्योर की सिचुएशन क्या है। अगर आपको लगता है थोड़ी सैलरी लेके आपका घर चलता है तो प्लीज लीजिए, ये नहीं कि बहुत सारी सैलरी लो, जितनी जरूरत हो उतनी लो। मैंने बहुत साल तक सैलरी नहीं ली थी, मतलब मेरी वाइफ काम कर रही थी, प्रिया काम करती थी और उसकी सैलरी से हमारा घर चल रहा था। जस्ट 2 साल पहले जब हमारी कंपनी अच्छा करने लगी, पैसे आने लगे, तो मैंने सैलरी उठाना शुरू करी।